हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन दागानी आप सबको मेरा नमस्कार। आज आपको मैं राहु की एक एक्सिस जो कि बड़ी विडम्बनापूर्ण है उसका बयान दे रहा हूँ। भाई दूसरे में राहु सेकंड हाउस में और एट्थ में केतु, ये कॉम्बिनेशन। राहु का जो सब्जेक्ट है ना, इट इज़ अ वेरी सीक्रेटिव एंड इसको एनालाइज करने की है ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्या डिटेनमेंट और डिज़ायर्स होती हैं, डिटैचमेंट ऑफ रिलेशंस होते हैं, क्या है इनके साथ दुर्घटनाएं ऐसी हुई थी, भगवान हरि विष्णु को इन्होंने रोचक जो थे राहु, मैं इनका सम्मान करता हूँ दोनों का, उन्होंने अपने इंद्र देवता को सलाह दी थी कि भाई आप विष्णु भगवान को कहो समुद्र मंथन करें, उसमें से कई चीज़ें निकलेगी, ये चीज़ आपको मालूम होगी। समुद्र मंथन से जहर निकला, भोलेनाथ ने पिया, माना कई चीज़ें हुई। फिर विष्णु भगवान के मन में आया कि राहु और केतु दे आर ड्रेडेड पीपल, अगर ये अमर हो गए तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके इनको बरगलाने की कोशिश की। लेकिन राहु सब जानता था विष्णु भगवान की मंशा को, तो वो अपना भेष बदल के आ गया। तो एंड टाइम पे सूर्य और चंद्रमा ने कहा भगवान ये हम वालों में नहीं है, तो भगवान हरि विष्णु ने मौनी रूप से सीधा सुदर्शन लेकिन की कट दी, तो ये इनका सर नीचे गिर गया। वो केतु सर था राहु और बॉडी केतु ही, जो कि अमृत पी चुकी थी। भगवान इंद्र दौड़ते हुए ईश्वर को कहा कि क्या किया आपने, यही तो सूत्रधार था इस चीज़ की पूरी योजना का हमारे अमृत की, क्या चिंता मत करो। विष्णु भगवान ने कहा पालन मुझे करना है सृष्टि का, संहार करने वाले ने जहर पी लिया शंकर ने, अब पालन मुझे करना है, इनको मैं ऊपर स्थापित कर देता हूँ, ये कलयुग में इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, शनि भगवान अकेले नहीं निपट सकते किसी से, तो ये संरचना थी। राहु और केतु अगर ये आपकी फेवर में हो जाए ना, राहु जिसे तारे उसे कोई न मारे, मैं तीन शनि वाला हूँ ना, वो भी उससे भी ऊंचा, और राहु जिसे मारे उसे कोई न तारे, तो मैं आज ये जो भाव बता रहा हूँ ना, सॉरी टू से आपको 50-50 है सबको, और अशुभ ज़्यादा है दूसरा राहु जो होता है। तो दूसरे राहु की जो मैंने अपने उसमें लिखी है रिसर्च में, मैं आपको आराम से वो पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है, वो दैट यू विल गेट बेटर नॉलेज, येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने लिखा है, और मैं डिटेल्ड लिखता हूँ, सुनो मैं कंफर्टेबल और आपकी बात सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, भाई कोई भी टिपिकलिटीज नहीं होगी, भाई आप खाली देखना खाने दो में राहु है, खाने आठ में केतु है, तो ये मैं हूँ, ये मेरी कथा है, ये मान के चलो। सबसे पहले आते हैं दो भाव में राहु आता है ना, उसका पूर्व जन्म क्या था जिसके पीछे अब की कहानी बनी है। पूर्व जन्म में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दूसरे राहु वाले जातक ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। ही वॉज अ पावरफुल मैन इन पास्ट लाइफ बट ही डिड नथिंग गुड, और वो बहुत बुरा किया था सबसे, जैसे आजकल नहीं आता एनकाउंटर किंग्स और अपहरणकर्ता अपराधी दुर्धान दत्यारे मौत के घाट उतारने वाले, ऐसे माना ये चीज़ें की थी इस आदमी ने, और
इसका ये असर है कि इस जन्म में यह अपने कर्मों से भयग्रस्त डरा डरा हुआ होगा, माना इस वक्त आपको ना भयग्रस्त डरे डरे फील करते होंगे, भयक्रांत जीवन बीतेगा आपका। भाई जैसे बाहुबलियों का और दस्यु जो डाकू होते हैं, अपराधी होते हैं ना, उनका जीवन भयक्रांत होता है। भाई माना पैंट की बेल्ट में पिस्टल पड़ी रहती है, ऐसे टाइप के होते हैं, ज़्यादा अज्ञात भयों से घिरे होते हैं। अगर कोई ये बेचारा शरीफ इंसान भी पैदा हो गया होगा तो ये वो अज्ञात भयों से डरा होगा। वो बच्चे खेलने जा रहे हैं तो इनको मन में आएगा पता नहीं उनसे क्या हो रहा है, माना इनकी मन फिरता रहता है। और इनके परिवार में अनंत समस्याएं अचानक आती रहती हैं, क्योंकि पूरे जन्म में इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए थे। दिस इज अ फैक्ट ओरिजिन। अब मैं आपको बताता हूँ, इस जन्म में आपका दूसरा भाव मेरा हुआ है तो मैं इसमें बताता हूँ। जातक निंदित वचन बोलने वाला होगा, माना अबे तबे वाली भाषा। और भाई जैसे दिख जाते हैं ना, अपन चलते चलते बीच में कुछ गाली गलौज वाले आदमी मिल जाते हैं या कुछ ऐसी भाषा वाला, निकृष्ट वाणी और एक जगह नहीं टिकेगा, भ्रमणशील रहेगा। और अगर ये धनु में आके बैठ जाए ना, गिनती अगर अंदर नौ हो तो ये महानीच हो जाता है। फिर तो साहब आप ये सुनो, ये नशे, चरस, LDX, मांस भक्षण, तंबाकू, गुटके, वेश्यावृत्ति सब करेगा। और ऐसे आदमी को पहचानना हो तो आप उसको देखोगे ना, उसके होठों के निचले हिस्से पर कोई चिन्ह होता है जिसका नीच राहु होता है। यह नीच का तो हो तो आदमी चरम रोगी भी हो जाता है, ठीक है ना। शरीर पर रैशेस होते हैं और इनको बैठे बैठे पैर के शरीर में चिंगारी आ जाए, ऐसे करंट्स आती है। भाई जैसे भाई इनके खून में ऐसी होती है कि बैठे बैठे आपको लगेगा मेरे पैर में ये हुआ है, करंट लगेगी, ये होता है। और ये अधिकांश देखा गया है कि अपना 10 साल का जीवन, 10 up to 10 years, ये घर से बाहर रहते हैं। फिर चाहे ननियाल हो या कोई रिश्ता हो या किसी भी रिश्ते के घर में बच्चा चला जाएगा या किसी हॉस्टल में चला जाएगा, ये देखा गया है। और जब ये 12 से 14 साल का होता है, 12 से 24 माना ये 12 साल जवानी के, जो चढ़ती जवानी के 12 से 24 साल तक यह बंदा ऐसे कर्म करेगा कि इसके पिता की है ना संचित पूंजी कम होती जाएगी, पिता का धन नाश करता जाएगा। ग्रेजुअली विल डू द थिंग्स, अनावश्यक चीज़ों में चला जाएगा, अनावश्यक खर्च कर लेगा, पिता के जेब में से नोट उड़ा के माना ये ऐसी चीज़ें कर सकता है। लेकिन शास्त्रों में मैंने एक चीज़ देखी है और जो मैंने भी दूसरे राहु के जातकों का अध्ययन किया है, ये कितने भी कुकर्म कर लें इनकी जेल यात्रा नहीं होती है। ये मैं आपको बताऊं, अगर आपका दूसरा राहु है ना तो आप इतने चलाक होंगे कि अपने काम कर जाएंगे लेकिन जेल नहीं जाओगे, ये देखा गया है। और ये इनकी उम्र भी लंबी होती है, 80 होती है। और नितांत स्वार्थी, घोर स्वार्थी होता है आदमी।
वो किसी की नहीं देखेगा, सिर्फ अपनी देखता है, दूसरा रहू ब्लाइंडली क्रूअल मैन। ये मोस्टली अपने जैसे यूपी बिहार में बोलते हैं ना भाई, बाहुबली आज इसका क्लैश हो गया, हाईवे पर पुलिस ने मार दिया, 50 चीज़ें बोलते हैं। ये ऐसे आदमी होते हैं अंदाजन में, बाहुबली भोकाल ऐसे आदमी होते हैं। और ये जातक है ना, इनकी यह धन की है नैया, आप पार नहीं लगा सकते हो। इनको देखो तो इनके गोडाउन में, मेरी एक तजुर्बा है, मैं ऐसे एक आदमी के पास गया था उसकी कुंडली देखने, उसने कहा था पहाड़गंज इधर आप आओ, और ये मैं दिल्ली आया हुआ था तो उन्होंने मुझे बुलाया, आप हैरत खाओगे। मैंने उस घर में नोटों के बंडल का रूम देखा था भरा हुआ। तो उसने कहा गुरुजी ये आप देखो, ये है ना, आज है कल नहीं है, ऐसे होता है। माना इनके पास धन का झूला है ना, ज़मीन से आसमान होता रहता है। आज अरबपति, फिर 15-20 दिन के लिए धम करेगा, फिर कोई कांड होगा, फिर पैसा आता है। मैंने ये देखा है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ माई एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ, ठीक है ना। लेकिन ये जातक निरंतर अमीर तो रहता ही रहता है, पैसे कम हो जाएंगे तो वहाँ फिलहाल अरेंज कर लेगा, फिर वरना रीजनरेशन जैसे फीनिक्स की होती है ऐसे कर लेता है। अगर राहु के साथ गुरु आके बैठ जाए तो गुरु चंडाल हम लोग बोलते हैं, तो ये धनवान हो जाता है, स्वतंत्र विचारों वाला हो जाता है। माना वे माना आके बोल भी लेगा मीडिया पे कुछ ना कुछ, माना गुरु में तो ये होता है ना, वो उसमें राहु है ना, उसमें छिप जाता है गुरु के अक्ष में, ठीक है। आपने देखा होगा अभी इलेक्शन टाइम पे ऐसे चेहरे बहुत देखे होंगे, ठीक है। इन आदमियों को जो दूसरे घर के राहु वाले हैं, इनका भाग्योदय 25 की उम्र से हो ही जाता है भाई, 25 साल के हुए और इनकी कहानी शुरू, बिल्कुल समझ लो वेब सीरीज शुरू हो जाती है इनकी। और ये आपको है ना, कितना भी रईस होगा मांग के खाने की आदत होगी, आओगे होगी यार इतना रईस, यार ये आइसक्रीम तो खिलाओ, बेफिक्री सारा जहां हमारा, ठीक है। और दो दूसरे राहु वाले जातक आप संभाल लो, आपके घर में रात को कभी चोरी नहीं होगी, मैं 100% ये लिख के देता हूँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी की इस रिसर्च में हुआ है कि भाई इनके घर में जो भी चोरियाँ होती हैं ना, खुले मुंह होती हैं, दिन दहाड़े होती हैं। बाहुबली है ना, तो इनको सामने वाले भी ऐसे ही मिलते हैं, रात को कोई नहीं आता इनके पास। और इनकी मोस्टली ससुराल है ना बर्बाद होती है, और आपने देखा होगा ऐसे आदमी जो होते हैं ना, कोई भिखारी आएगा ना उससे बड़ा अश्लील व्यवहार करते हैं दूसरे राहु वाले। ये माना आद जुगाद से चलता आया है कि भिखारियों का ये अपमान करते हैं, उनको दुत्कारते हैं। और ये लोग मंदिर से भी जूते चोरी करना, या माना कोई मंदिर के फंड्स का गबन, माना जैसा अगले का स्टेटस होगा लाइफ का वैसे तरीके से वो करेगा। और आर्थिक स्थिति खराब, अंधेपन की तकलीफ इनको हो सकती है। और इनकी हथियार से भी मृत्यु हो जाती है,
माना कि दो रहो, आप ध्यान रखो कि आपका गोली या किसी भी तरीके से हत्या हो सकती है, इसकी थोड़ी आप सावधानी रखें। और मैंने एक चीज़ देखी है इन जातकों की, मैं तो रिसर्चर हूँ ना, तो इनके पास भी जाता हूँ, बैठ के इनकी सुनता भी हूँ। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर ये अपनी माँ की बड़ी इज्जत करते हैं, और कभी गलती से कुछ बुरा बोल दे देते हैं ना, इनको बड़ा शर्मिंदा फील होता है। मैं बड़ी गजब की बात ये देखी है कि भाई जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं थे भाई हीरो माँ का भक्त, संजय दत्त की कौन सी वास्तव कौन सी पिक्चर रही थी ऐसे, बस आप वही देख लो संजय दत्त का वो जो कैरेक्टर था उसको आप ध्यान में रखो। अब ये सब चीज़ें हमने बोल तो ली, लेकिन सामाजिक और सांसारिक तौर पर ये चीज़ अच्छी तो है नहीं। अब पूर्व जन्म के कर्मों, परिवार के कुल के किसी उस एंट्री में पूर्व जन्म का जो दूसरे घर का है बंदा परेशान करके आया हुआ पिछले जन्म का, तो आपके घर में पैदा हो गया, तो ऐसा अगर हो तो मैं आपको कुछ उपाय देता हूँ। आप किसी भी उम्र के हो, आपका बच्चा हो, आप हो कुछ हो, ये उपाय करोगे ना तो मैंने देखा है इनके घरों में बदलाव आया हुआ दिखा है मैंने, और आमूलचूल परिवर्तन देखा है। ये उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भाई होती है ना हाथी पालते हैं, और ये जो हाथी के पैर की मिट्टी, जू में जाओ हाथी घूमते रहते हैं ना, तो उस मावत को कहो कि इनके पैर रखवा के वो मिट्टी दे दो, वो आप अपने कब्जे में ले लो, माना दूसरे राव वाले एक मुट्ठी लेके और सीधा वहाँ से उठाया और कुएं में डाल दिया। फिर पांच भगवानों को याद करो, भगवान हरि विष्णु, हरि हर, महादेव को याद करो, हनुमान को याद करो। हाँ, मैं इसको 5H बोलता हूँ, हमारे कई साथियों ने भी यही बोला है, इसमें हलधर, महाराजा हरिश्चंद्र, इन पांच को याद करके वो हाथी पैर की मिट्टी अगर आप उसमें डाल दोगे ना तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। आपको थोड़े एक और चीज़, चांदी की ठोस गोली जेब में सदा रखे जीवन भर दूसरे वाले। और आपको मेरी एक ये सलाह है, मेरी आप किसी से वादा मत करो, अगर वादा करो तो निभाओ। अगर आपने वादा करके निभाना शुरू कर दिया तो ये जो झूला है ना नीचे नहीं आएगा, ऊपर चलता जाएगा। अगर आप बाहुबली हो तो मेरी एक राय है आपको, माना वादा झूठा मत करो। देखो संसार है, कलयुग में सबको ये काम करने पड़ते हैं, और सब पात्र हैं, हम लोग खेलने आए हैं, ठीक है। तो अगर आप चांदी की ठोस गोली जेब में रखेंगे और वादा जिसे किया करना चाहिए तो वो पूरा करना चाहिए, वफा करो निभाओ, वादा करो तो ये कर लो। और दो घर के राहु वालों को मैं एक सलाह देता हूँ आपके, देखो हम ज्योतिषियों को तो हाउसेस देख के सब मालूम पड़ जाता है भाई क्या हो रहा है, अभी इसके साथ क्या होने वाला है, अभी यंत्र दशा बदलेगी तो इसका रंग बदलेगा, वो तो हमारे से कंसल्टेंसी लेने आते हैं जब भी बताते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूँ, मैं एक आपको ईमानदारी से बात बता दूँ, राहु दो वाले अपने नाखूनों की तरफ ज़रूर देखें, नाखूनों पे भाई आपको जैसे कोई धारियाँ दिखे नहीं हो बढ़ती हुई, सेकंड राहु एर्थ केतु,
नाखूनों पे ये धारियां लहरें लहरें दिखेगी ऐसी, वो दिखे तो सीधे ज्योतिष के पास चल जाना, यू नीड अ अर्जेंसी, जैसे कहते हैं अर्जेंट में ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, वो चाहिए आपका, ठीक है। तो ये होगा राहु। अब आठ भाव केतु, ठीक है, उस पर चलते हैं। एट हाउस केतु, इसमें राहत फरत होती है। मैंने कहा ना भाई, जैसे राहु में बोला ये बाहुबली होते हैं तो धन तो होता ही होता है ना, तो ये केतु ने दिया है इनको। अभी तो इलेक्शन टाइम है, आप इनकी शक्लें देख रहे हो, 4 तारीख तक तो और देखोगे, ठीक है। तो आप देखो, इनके पास धन बेशुमार होता है। मैंने बताया ना, रूम भरा हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। दादा उसको सुखी रखे, धन बहुत होता है, लेकिन इनके पास छिपी हुई बीमारियां होती है। दिखेगा यहाँ गोरा चिट्टा, अंदर से कुछ ना कुछ बम पड़ा होगा, बवासीर हो। एक पिक्चर आई थी, उसमें एक विलन दिखाते हैं, उसको बवासीर थी, ऐसा वो आठ केतु वाला होता बंदा, पूरी दुनिया को हिला के रख गया था, लेकिन मिनिस्टर था, और लेकिन नीचे आग लगी थी, वो उसका इलाज करता हुआ दिखाते हैं उस पिक्चर में। मैं वो ये अर्थ केतु है, ठीक है। और ये दिमाग की तौर पे ना बहुत विकृत होते हैं, आठवां केतु। डोंट टेक रिस्क बिफोर देम। जिसका भी आठवां केतु हो ना, उसके सामने आप आराम से जाओ, और तुझे बोले हाँ तो हाँ, तुझे बोले ना तो ना। अगर आप आठ केतु हो तो आपको फील होता होगा बिल्कुल गुरुजी सही कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल होता है। संसार में हम लोग ऐसे काम करने आ गए, भाई इनको हम पैटर्न नहीं माने। एक्चुअली आपकी इंद्र की पीड़ा देखोगे ना, हम तो ज्योतिषी हैं, इनसे मिलते रहते हैं और सम्मान देते हैं यथा योग्य। मैंने ऐसो को भी देखा है कि वो कहते हैं गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी आत्महत्या करने की आती है। तो मैं इनको एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा देखो आपको परिस्थितिवश ऐसे हो, पूर्व जन्म परिस्थितिवश, जन्मवश, स्थान बल इससे ऐसे हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा तो वही है ना, शांताकार विजक्षण, तो आपको इसमें अनकंफर्टेबल कोठरी लगती है, और इट इज़ अ वेरी गुड साइन अगर आपको ऐसे दिख रहा है। मैं उनको ऐसे करके थोड़ा कंफर्टेबल कर देता हूँ। और मैंने मोस्टली देखा है आठ केतु वाले है ना, इनके पुलिस में जो एनकाउंटर्स होते हैं ना, उसमें 40-50% जिनके एनकाउंटर होते हैं ना, उनकी कुंडलियों में आठवां केतु होता है। हम भी जैसे भाई, हमें हाथ तो जेलर के भी देखने पड़ते हैं, अपराधी के भी देखने पड़ते हैं, तो ये तो हमारे प्रारब्ध में है, तो वो तो देखना ही है। और मोस्टली आठवां केतु होता है ना, ही विल नॉट मैरी प्रॉपरली, लव मैरिज, रात को आया सुबह को ढोलकें बजना शुरू हो गई घर में, लव मैरिज करते हैं ज़्यादातर, 80% 80-90 माना 10% ही भाई सुविधा से चलते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है। और ये लोग कैसे भी हो, इनकी ससुराल कितनी भी अच्छी हो, उनसे टकराव चलेगा, ये हमने देखा है। और आठवें राहु के दोस्त है ना, आपका आठवां राहु ना, आप दोस्तों पे भरोसा मत करो। अब आपकी कुंडली है तो आप तो मेरे क्लाइंट हो, मैं आपको बताऊंगा ना, आठवां राहु ना दोस्तों पे कभी भरोसा मत करना, बी अलर्ट। भाई चले भाई कार में चल रहे हैं तो दोस्त है ना, तो भी आप अपना है ना वसील, वो कहते हैं वसीला जो बोली में बोलते हैं, बेल्ट के अंदर पिस्टल या
कार की जो होती है उसके नीचे तलवार, हम भी इनको देखते रहते हैं, इनकी ये अपनी बहादुरी दिखाते रहते हैं, भाई हम ऐसे ऐसे करते हैं, भाई कार की जो होती है आगे उसकी चादर के नीचे तलवारें पड़ी रहती है। तो इनको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि दोस्त भी दगा देते हैं, इनके ड्राइवर भी कभी दगा दे देंगे। और मोस्टली माफ़ करना, मैं आपको बहुत गलत समय पे ये बता रहा हूँ, राजनीतिज्ञ हो आप अपनी कुंडली में देख लो, अगर आठवां केतु है ना तो शायद आप जीतो, मत करो। आठवें केतु वाले ना राजनीति में घुसो मत, राजा भैया बन जाओ, इज्जतदार जिंदगी, सीधी सी बात है। और एक बात सुनो, आठ नंबर केतु वाले आपको अपने जीवन में कितने भी बड़े आप इंसान हो, एक अपनी कमाई का टुकड़ा दफन कर देना है पाताल में, बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। जब आपकी बात बिगड़ेगी ना, आप जिनको भी फ़ोन करोगे ना वो उठाएंगे ही नहीं, माना बैंक ऑफिसर्स, मिनिस्टर, दोस्त फोन नहीं उठाएंगे। आपको लोन की ज़रूरत होगी ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कोई भी क्रियाकलाप करो अपना, है ना, एक सोच लो कि भाई मुझे इतनी रकम अपनी हैसियत के हिसाब से रखनी रखनी है, बेवक्त मुझे दोस्त मना करेंगे लोन देने में। बिकॉज क्या अपना आचरण ही ऐसा होता है इनका, ठीक है ना। तो ये भी संसार में है भाई, सब देखना पड़ता है, सीधी सी बात है। और आठवें केतु वालों को अपनी भाई गुदा, नेत्र के जो रोग होते हैं ना, बवासीर और आँखों की अंधापन, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसमें अच्छा पौरुष की कमी भी होती है इनको, संतान न होना या भाई जीवन साथी संतुष्ट न रहे, ये चीज़ें भी हमने पाई हैं, आती हैं, फिर हमें उन्हें उपाय देने पड़ते हैं। अगर इस दो राहु और आठ केतु पे कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो आप वो देखोगे उस आदमी को, वे होगा 45 साल का दिखेगा, 55 साल का बूढ़ा दिखेगा। भाई ज़माने की कहर इतने दिखा हुआ होता है कि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने आज आपको दो राहु आठ केतु का जो दिया है, आप अपनी कुंडलियाँ देखो, आपको देखो कितना ये मेरी रिसर्च का पेज, जो भी हमारे हमसे बुद्धिमान आदमियों की चीज़ें हैं हमारे पास, सीधी सी बात है। तो आप इनको देखो, अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी हो तो तुरंत किसी अच्छे ज्योतिष को पकड़ो। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो 6282697649। आई प्रॉमिस यू, आप कैसी भी हालात में कहीं भी बैठे हो और किसी भी पद पे हो या कैसे भी हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैंने ये काफ़ी इन चीज़ों में एक्सपीरियंस किया हुआ है और सक्सेस मिलती है, उपाय हम लोगों के पास होते हैं, जो प्रबुद्ध ज्योतिषी हैं उनके पास इन सब चीज़ों का उपाय होता है, तो वो आपको दे देंगे। इतना कहकर मैं आज का संज्ञान पूर्ण करता हूँ। दाता आपको सुखी रखे। आशा है आपके घर में दो राहु आठ केतु वाला आए ही नहीं। ईश्वर से प्रार्थना है आराम से, ये संसार है, सब चीज़ें आती हैं, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ भाई। आ गया तो दिल में समा गया, माँ बाप को सोचना चाहिए, जो चीज़ हम इसीलिए इनको पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स हम निकाल देते हैं। आशा है आपको ये संज्ञान पसंद आया होगा। ईश्वर आपके घर में सुख शांति समृद्धि दे। यह बोलते हुए मैं विराम देता हूँ।
गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। आप सुनते हो मैं बहुत लंबे बनाता हूँ तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हो, ये आप ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।